सो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नेहा राणा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज आई है मेरी बड़ी वाली सिस्टर, तो हम अपनी बहन के साथ इंजॉय करेंगे, तो वो इंजॉय हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। ये बन गया हमारी ब्रेड पकौड़ी। गरम है आराम से। लो पापा खा लो, आपकी नातिनी ने बनाया बड़े प्यार से। क्या कह रही है? तो गाइस वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नेहा राणा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और हमारी हो गई है मॉर्निंग। और भाई आज मेरा भाई गया है वहाँ पे, क्या कहते हैं, कबड्डी के मैच में गया हुआ। भाई कह रहा था मैं जा रहा हूँ एकेडमी, क्योंकि आज मेरा कबड्डी का मैच है, देखो कैसा होता है। तो दीदी उड़ गई थी सुबह सुबह मॉर्निंग में। भाई कह रहा था कि पराठे बना देना आलू के, तो बहन ने बोला कि आलू के पराठे और वो बना देंगे, क्या कहते हैं, ब्रेड पकौड़ी। तो उन्हें बना दिया ब्रेड पकौड़ी। सुबह सुबह 6 बजे उठ के अकेली बनाने लग गई थी, हम तो सो रहे थे। तो सुबह 6 बजे उठ के भाई को दे दिया पैक करके, तो भाई चला गया। अब भाई के जाने के बाद फिर हम लोग अब नहा के बैठे हुए हैं, तो अब हम नाश्ता करेंगे। तो मैं काट रही हूँ थोड़ा पपीता, सिस्टर ने बोला है कि थोड़ा पपीता काट ले साथ में खाएंगे। ये पपीता काट रहे भी हम, तो दो सारे मोबाइल में लगे पड़े, बहन बना रही है अकेली। वैसे हमारी मास्टर शेफ है ये, इसी ने बनाया है। तो गाइस ये कट गया हमारा पपीता और ये हमारी ब्रेड पकौड़ी, ये है चटनी और ये मेरी सिस्टर, ये लेकर आई है जहाँ पे ये रहते ना वहाँ से तोड़ के लेकर आई है। गांव से आया? सॉरी गांव से आया। किसके फ्रेंड के यहाँ से? गांव से लेकर आए। कब लेकर आया? अभी तक ऐसे ही है, हरे के हरे। फ्रिज में रखी थी क्या? अच्छा लगा। अभी इसी की सब्जी बनेगी। बहन मैं इसका नाम भूल जाती हूँ बार बार। क्या बोलते हैं? ड्रम स्टिक। इंग्लिश में और हिंदी में? सज्जन की फली। यहाँ पे बाहर है ना, क्या कहते हैं, मैंने एक अभी मैंने बीच में सब्जियों की वीडियो डाली थी ना कि हमारे घर में कौन कौन सी सब्जी लगी हुई है, तो ये वाली भी पापा ने सब्जी लगा रखी है बाहर मंदिर के पास लगा रखी है, क्योंकि यहाँ पे जगह बन नहीं रहा था तो मंदिर के पास पापा ने लगा रखा है सब्जी। तो तब भी तोड़ा था हमने यही सब्जी, तो तब भी मुझे इसका नाम नहीं पता था और अभी भी इसका नाम नहीं पता मुझे, तो आप पता चल गया इसका नाम है सेजल की फली, सज्जन की फली। और इंग्लिश में? ड्रम स्टिक। भाई इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश तो बोलेंगे। तो हम खा रहे हैं पपीता, देखो पपीता मेरे को तो पता नहीं था, स्किन को ग्लो करता है। मेरे को पता नहीं था, मैं ना फल फ्रूट ना जब मर्जी खा लेती हूँ, मेरा कोई टाइम टेबल का पता नहीं है। पर जब से सिस्टर आई है बड़ी वाली, तो उसने बोला है कि सुबह सुबह देखो, वो देख कितनी ले, वो भी ले गई, देख को दिया खाना। देख ये भी ले गई पपीता, दे रही हूँ दे रही है। सुबह सुबह खाली पेट पपीता खाने से पेट साफ होता है ना। खा लो छिला हुआ है ना? नहीं मैं डाला ये वाला, क्यों कड़वा होता है ये? जो पपीता लेके बैठेगा उसी के पास बैठ जाएगी। अभी मेरे पास था पपीता,
दे। पपीता की कितनी दीवानी है ये। पपीता की दीवानी खाली। इसको तो जितना दे दो उतना कम है। डच सुंड को। तो गाइस मैं आ गई हूँ चौमिन उबालने के लिए, और जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूँ कि हमारी चौमिन की दुकान है। तो मैं अब आई हूँ चौमिन उबालने के लिए क्योंकि भाई गया हुआ है, अपनी एकेडमी गया हुआ है, तो आज उसका मैच है ना, तो उसके लिए एकेडमी गया हुआ है। और पापा काट रहे हैं गोभी, तो फिर पापा ने बोला चौमिन उबाल दे जल्दी से, तो मैं उबाल रही चौमिन। तो आपके साथ आज शेयर करूँगी कि मैं चौमिन कैसे उबालती, कैसे चौमिन तैयार करती हूँ। चौमिन उबाल लिया है, अभी तो फिलहाल सिर्फ दो ही पैकेट मैंने उबाला है, अभी पानी उबलेगा दोबारा से, फिर मैं दो पैकेट और उबालूंगी, उसके बाद फाइनल होगा मेरा चौमिन उबालना। आज 2 बजे करीब हमारी दुकान लग जाएगी, तो बड़ी वाली सिस्टर आई है, वो खाना बना रही है और पापा गोभी काट रहे हैं, मैं चौमिन उबाल रही हूँ। तो गाइस ऐसा होता है हमारा काम, तो दुकान लगेगी हमारी 2 बजे, तो अब देखते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं चौमिन कैसे उबालती हूँ और किस में उबालती हूँ। देखो गाइस ये है, हमने घर के पीछे सिलेंडर लगा रखा है, तो उसमें आग जला के हम चौमिन उबालते हैं। तो ये पानी उबलने वाला है, जब ये पानी उबल जाएगा फिर उसके बाद मैं पैकेट डालूँगी, जो पैकेट है ना 3 पैकेट ये डालूँगी इसमें। देखो गाइस पानी उबल गया, अब इसमें मैं पैकेट डालूँगी। इसको इसमें मैंने डाल दिया है चौमिन, अब ये उबलेगा, कम से कम 2 मिनट तक उबलेगा, पकेगा, फिर उसके बाद मैं इसको छानूंगी इस पतीले में। मैंने पता पहले 2 पैकेट डाला था पतीले में, तो 2 पैकेट ना मैं छान लेती हूँ, उसको उठा के मैं छान लेती हूँ। तो अब मैंने डाला है 3 पैकेट, तो 3 पैकेट जो मैंने डाला है ना वो हो जाता है बहुत भारी पतीले में, तो वो मेरे से नहीं उठेगा, तो वो उसको उठाने के लिए, उसको छानने के लिए मैं पापा को बुलाऊंगी, तो पापा छानेंगे। तो गाइस मेरी चौमिन हो गई है रेडी, मैंने पूरा का पूरा चौमिन कर लिया है, जितना भी पैकेट मुझे उबालना था मैंने उबाल लिया है। उबालने के बाद अब मैं इसको करूँगी पैकिंग दुकान के लिए, दुकान जाने के लिए, तो इसमें मैं करूँगी पैक चौमिन। तो गाइस आपके साथ करते हैं शेयर। तो गाइस ये हो गया मेरा चौमिन रेडी, इसको कर दिया हमने पैक, अब ये जाएगा हमारे रिक्शे में रखेंगे इसको। देखो गाइस दुकान जाने के लिए हो गया रेडी, ये हो गया सारा सामान तैयार। देखो गाइस मैं आ गई हूँ ऊपर, मेरी बहन बना रही खाना। खाने सीट कुकर बंद कर दे, हो गया कहीं तू सीटी के लिए बैठी हो, सीटी मारेगा, वो सीटी नहीं मारता बहन। आम की तसल्ली से थक जाती तो बिठा के तेरे पैर में मोगरे की खुशबू का तेल लगाते, चुप
चटनी पीसना है। इसको कर दे बंद। इंस्टाग्राम का बोल भिक्षा दे बाबा। क्या नाम है इसका? इसका नाम मिचा बेबी बी टाउन बेबी। अरे बी टाउन मिचाम बेबी। मिचाम नहीं बोल रही, मिटाम। मोटे क्या बोलते हैं? मिचाम बेबी। ये ब्रो और क्या बोलता है? और कौन सा डायलॉग था उसका? ए शेमड़ी चेमड़ी चेमड़ी शेमड़ी शेमड़ी शेमड़ी। भिक्षाम दे बाबा हिंदी मातृभाषा।